और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सब जितने हमारे पब्लिक दर्शक हैं आर्यावर्त टुडे को देखिए आज लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा जो चार दिवसीय होता है उसका शुरुआत नहाय खाय से होता है और नहाय खाय में इस कद्दू का बहुत महत्व होता है। इस कद्दू का महत्व बहुत होता है। आज चावल दाल कद्दू आलू गोभी का सब्जी बहुत ही शुद्ध वातावरण में बनाया जाता है और आज से ही छठ महापर्व का शुरुआत हो जाता है। आज नहाय खाय है और इस नहाय खाय में हम लोग कद्दू का वितरण कर रहे हैं। कल खरना होगा, कल खरना के दिन भी हम लोग साड़ी और सूप का वितरण करेंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व ऐसा पर्व है कि सबसे ज़्यादा विशेष इसमें साफ सफाई किया जाता है। साफ सफाई, सुंदर वातावरण, एक दूसरे से प्रेम भाव, सब कुछ इस महापर्व में होता है। ये महापर्व ऐसा महापर्व है कि लोग स्वतः अपने मन से दान पुण्य करते हैं और लोगों में ये ऐसा जागरूकता फैलाते हैं कि जहाँ कोई भी आदमी अपराध जो भी होता था इस महापर्व में कोई ऐसा घटना नहीं घटता। गंगा जी में खूब इस बार पानी आया, लेकिन इस बार पटना नगर निगम के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, माननीय पार्षद के द्वारा, महापौर के द्वारा छठ घाट को इतना सुंदर बना दिया गया है कि विदेश से लोग देखने आते हैं। भारत से नहीं, विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं। छठ पर्व, खास करके बिहार के छठ पर्व महापर्व है। इसे पर्व नहीं कहते, ये महापर्व है। मैं लोगों को इस छठ पर्व के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सभी का मनोकामना पूर्ण हो और सबका इच्छा पूरा हो। जय हिंद।